जय हिंद दोस्तों, वन रैंक वन पेंशन थ्री का सबको इंतजार है। इसी तरीके की खबरें हमारे सामने आ रही हैं। आखिर हमारा जो मैक्सिमम और मिनिमम का जो एवरेज है वो किस तरह फिक्स होगा। दोस्तों एक चेतावनी और एक पीपीओ मैं आपके साथ दिखाता हूं कि एक बंदा जो हवलदार है 24 साल सर्विस किया है, उसने 24 साल मात्र सर्विस किया और उसकी पेंशन उसका पीपीओ देख के हमें बड़ी खुशी हुई, उसने हमें भेजा। यदि इसी तरीके से बाकियों का पीपीओ क्यों नहीं बनता है और आप देख से हैरान हो जाओगे इसकी कितनी पे। इसलिए जो रिटायर्ड होके आए या जो सेना के अंदर है, जरा चेत जाना, समझ जाना। बहुत सारे सूबेदार साहब हमें अपना फोन करते हैं, भेजते हैं कि साहब हमें 28 साल 30 साल सर्विस किया, मेरी 27,000 पेंशन बन रही है। मैं हैरान हूं, हमने कि आपके साथ गड़बड़ी एक तो हुई है, आप हमारे साथ गड़बड़ी सबसे ज्यादा हुई है हमारे पे फिक्सेशन के अंदर। ओपीटी फिक्स के नाम पर किसी को कुछ नहीं पता, ना रिकॉर्ड को पता, ना ऑफिस में पता हुई है। और आप समझ सकते हो 2016 में जैसे हमें 2.57 के फैक्टर से हमारी बेसिक पे निर्धारित की गई और उसका करोड़ों का, बिल्कुल मैं कह रहा हूं चैलेंज से, करोड़ों का सरकार ने बचाया है। और आर्मी के अंदर तो इस तरीके की हम पेमेंट को फिक्स कर ही नहीं पाए, इसीलिए नहीं। आप समझ सकते हो जब आपकी 2015 में तनख्वाह और उसको बढ़ाया जा रहा है, वो बढ़ नहीं रही है, घट रही है। वो कैसे पता चलता है? जब आप पेंशन आते हो तो ये पीपीओ आपको प्रूफ करेगा। और मैं साथ में आपको आरओपी 3 की जो प्रेडिक्टिव टेबल है उसके साथ टैली भी करूंगा। इसके पहले आपको एक जो खबर आ रही है कि यानी कैबिनेट ने आरओपी 3 की मंजूरी दोस्तों दे दी है और उसकी टेबल तैयार हो रही है, ब्लॉक वाइज तैयार हो रही है, जैसा कि इंद्र मोहन साहब का कहना है, जो कि बात हुई है। उन्होंने कहा है ऐसा नहीं है, नहीं बिल्कुल 3 तारीख को पूरी तैयारी थी, 5 को सीडीए साहब ने कंफर्म कर दिया था, जैसे ही टेबल तैयार हो जाएगी और सरकार इसी बजट सत्र में इसकी घोषणा करेगी, क्योंकि उसके 100 दिन के एजेंडे में है। और दोस्तों किसको क्या लाभ मिलेगा, आप इस बात को आप समझ सकते हो कि 30 जून 2024 तक के जो रिटायर्ड वो कंसिडर किए जाएंगे, 1 जुलाई 2014 के बाद के परमेचर वाले नहीं किए जाएंगे। अब आइए दोस्तों, जैसा कि मैं इस टेबल पे जाता हूं, या एक हवलदार का आप देख सकते हो, एक हवलदार जिसने 24 साल नौकरी किया, अभी उसकी 22,257 है और उसकी जाकर के 24,900 पे हम मान को उसको लेके जा रहे हैं, 24,900 टेंटेटिव बढ़ जाएगी। यदि वो ऑनरी नायब सुधार है और नायब सुधार है 24 साल का, तब भी हम उसको 2526,050 पे फिक्स कर रहे हैं। यदि वो नायब सुधार है तब भी उसकी 2650 के ऊपर हम फिक्स कर रहे हैं, क्योंकि मैक्सिमम लोगों ने भट्टा बैठा के रखा है 1 जनवरी 2016 से ओपीटी फिक्स के नाम पे। यदि आपको कहीं लग रहा है कि मैं गलत स्टेटमेंट दे रहा हूं, तो मैं आपको एक पीपीओ दिखाता हूं और ये आप टेबल भी आप और आप आरओपी 3 की जो प्रिडिक्टेड है, इसमें मैक्सिमम मिनिमम क्या लिया गया, जरा हम ये भी आप चर्चा का विषय है कि 22,700 मिनिमम है यार, 22,000 और मैक्सिमम 27,100 भी रखा गया है। और ये तो भला है कि एयरफोर्स और नेवी उनका ऊपर का लेवल है, वहां से मिलता है, आर्मी का तो नीचे जवानों को पता नहीं होता, ऑफिस में पता नहीं होता और इससे कई लोगों का घाटा हो रहा है। अब एक पीपीओ, एक आइडियल पीपीओ मैंने इसलिए आपके साथ शेयर करता हूं यार, बंदे का मैं बाकी चीज़ें डिटेल में आपके साथ शेयर करना मुनासिब नहीं समझता। इनका नाम क्या है यार, वो भर्ती होते हैं 10 जुलाई 1999 को, 31 जुलाई 2023 को रिटायर्ड हो जाते हैं, एक इन्फेंट्री सोल्जर हैं, यानी 24 साल अपनी सर्विस कंप्लीट करते हैं, बाई ग्रुप के हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है, जेंट के राइफल से हैं बिल्कुल दोस्तों, और नेट क्वालिफाइंग सर्विस 24 साल और 22 दिन है दोस्तों। और उनके ऊपर हम जाते हैं, पे लेवल उनको 6 दिया गया है और उनकी जो बेसिक पेंशन है आप हैरान हो जाओगे 47,600 है, याद रखना 47,600 24 साल में, 47,600 में दोबारा बता रहा हूं। और उनको MSP 5200 5,200 दोनों को मिलाकर आप समझ सकते हो आप कितना हो जाता है, 52,800 यानी 52800 हो जाता है। तो उनकी पेंशन कितनी हो गई, 26,400। एक पहला मैं एक पीपीओ देख रहा हूं इतना अच्छा, जो कि 2016 के बाद के 26,400 उनकी बेसिक फिक्स की है, जब और वो रिटायर्ड मैन आपको होता है 31 जुलाई 2023 को है। तो मैं ये आपके कह रहा हूं, आप ORP 3 की टेबल है जो कि बेस ईयर 2023 रखा गया है, तो 2023 के यदि इसी तरीके के आंकड़े आर्मी के हैं, एयरफोर्स के इससे अच्छे आंकड़े हैं 27-28,000 में, तो जरूर इनका एवरेज करके जब ब्लॉकिंग की जाएगी तो पेंशनर को भी फायदा होगा। अब पेंशनर्स को घाटा इसलिए हो रहा है कि कुछ तो
सरकार ने इस तरीके से 2.57 डाला, कुछ हमने जो इम्प्लीमेंट किया वहां बिल्कुल गदर कर दिया। 2016 के बाद 18 में आपने बेसिक पे उनकी फिक्स किया, सबको घाटा हुआ है, सबको घाटा हुआ है। ये POR को बिल्कुल क्लियर आदेश नहीं था और आर्मी के अंदर सबसे ज्यादा घाटा हुआ दोस्तों। तो इस वजह से मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि एक बार अपनी पे, यदि आप सर्विंग में हो तो जरूर चेक कर लें। बहुत सारे सुविधा रहे हैं, CMP के मुझे फोन कर रहे हैं, मेरी 30 साल सर्विस है, मेरे 54,000 EMSP बना के बन रही है, तो पेंशन कितनी मिले उन्हें, 27,000। हमने कौन से भाई, कहाँ आप घूम रहे हैं, जरा ऑफिस में चेक करो, आप एक कंपेरेटिव स्टेट डालिए और दूसरी ऑब्जर्वेशन आप डालिए, जो भी ऑब्जर्वेशन है POR को डालिए, क्योंकि आपकी तनख्वाह कम आ रही है और इस वजह से आपको पेंशन में कमी होती है, बाकियों को भी आपसे टैली किया जाता है तो परेशानी होती है। तो दोस्तों वन रैंक वन पेंशन 3 का ये जो कहा गया है कि इस जो टेबल में सुधार होके आएगा, हम उम्मीद करते हैं कि उसमें सबको फायदा होगा।